जय हिंद प्यारे भारतवर्ष क्लासेस, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं भूगोल हमारे संसाधन पाठ्यपुस्तक में अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 4 का नाम है कृषि। प्रथम प्रश्न कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कृषि एक रिक्त स्थान क्रिया है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो उसमें से कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा है, भारत की कुल भूमि का रिक्त स्थान प्रतिशत कृषि योग्य है। तो भारत की कुल भूमि का लगभग 75% कृषि योग्य है, ठीक है, जिसमें हम लोग खेती करते हैं वे भूमि कृषि योग्य भूमि कहलाती है। तो कुल भूमि का 75% कृषि योग है। तीसरा है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में रिक्त स्थान खेती कहते हैं। तो इसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरित खेती, यानी यह या खेती घूम घूम कर की जाती है। चौथा प्रश्न है, चाय, कॉफी, रबर रिक्त स्थान कृषि की फसलें हैं। तो हम लोग रिक्त स्थानों में भरेंगे रोपण। चाय, कॉफी, रबर रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे रोपण कृषि की फसलें। रोपण कृषि, जिस कृषि का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होता है, जैसे रोपण कृषि में आप लोग चाय बोलो, तो चाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अत्यधिक पैमाने पर उत्पादन की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पांचवा प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, विश्व में सबसे बड़ा चीन है। और यदि भारत की बात करें तो भारत की स्थिति दूसरी है। भारत के बाद तीसरा नंबर पे जापान है, चौथे पे श्रीलंका और पांचवें पे मिस्र है, ठीक है, ये आपको लिखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, सही उत्तर लिखें। हमें 4 विकल्प में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। का, कपास, खा, पटसन, गा, गन्ना, घा, सोना। तो यहाँ पे आप लोग सोना देख के कन्फ्यूज नहीं हो जाओ कि सोना तो सुनहरा नहीं, सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है और पटसन को बांग्लादेश में सुनहरा रेशा कहा जाता है। बांग्लादेश में पटसन या जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है। यदि पटसन के मुख्य उत्पादक देशों की बात करें तो भारत एवं बांग्लादेश इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। दूसरा प्रश्न है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। का, ब्राजील, खा, इथोपिया, सॉरी, का, भारत, खा, इथोपिया, गा, ब्राजील, घा, कोलंबिया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। गा, ब्राजील में कहवा सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है। तीसरा प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। का, दार्जिलिंग, खा, चिकमंगलूर, गा, दक्कन पठार, घा, पंजाब। तो पंजाब तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, दक्कन पठार काली मिट्टी है तो कपास के लिए। यहाँ पे सही उत्तर होगा दार्जिलिंग, क्योंकि दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फेमस है। तो दार्जिलिंग में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? का, निर्वाह कृषि, खा, चलवासी पशुचारण, गा, रोपण, घा, वाणिज्य। तो चावल जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल है। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि का अर्थ होता है बच्चा वह कृषि जो गुजारा बसारा करने के लिए या पेट भरने के लिए की जाती हो। सीधा समझो, सीधा अर्थों में समझो कि वह कृषि जो पेट भरने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे हम लोग जो छोटे किसान होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि किसी तरह हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाए, उस प्रकार की खेती, ठीक है, उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह, यानी जीवन का गुजारा चल सके। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। पहला, आर्थिक क्रियाएं क्या है, कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं हम लोग पहले जान लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रिया में आप लोग लिखोगे वे क्रियाएं जिसके माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक
प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जिसमें कृषि पशुपालन इत्यादि से संबंधित होते हैं, द्वितीयक निर्माण कार्य, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र होता है। ये आप लोग लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्रिया का उदाहरण लिखिए। तो लिखेंगे वे सारी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। प्राकृतिक प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है। तो लिखेंगे भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। ठीक है, पशुचारण प्रचलित है। इसके बाद चौथा है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो जूट या पटसन, इसके विश्व में भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं, और बांग्लादेश में पटसन या जूट को क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा है प्रश्न में, प्रश्न संख्या एक में पढ़ा है कि उसे कहा जाता है स्वर्ण रेखा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे, कि इसे बांग्लादेश में कहा जाता है सुनहरा रेशा, है ना, सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है। चलिए इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि कृषि से आप क्या समझते हैं। तो कृषि में हम लोग लिखेंगे खेती के माध्यम से फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है। कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। कृषि कार्य भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है, जिसमें निवेश, संक्रियाएं एवं निर्गत शामिल हैं। निवेश के अंतर्गत बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक आते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं, जबकि फसल, ऊन, दूध एवं दुग्ध उत्पाद इसके उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है इसमें, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले लिखेंगे जीवन निर्वाह कृषि, इसमें लिखेंगे कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि करता है, जीवन निर्वाह कृषि कहलाता है। और वाणिज्यिक कृषि में लिखेंगे कि इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। कृषि यांत्रिकृत एवं विस्तृत होती है, जो वाणिज्यिक कृषि है बड़े पैमाने पर की जाती है। तीसरा प्रश्न, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है। तो इसमें लिखेंगे गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है, इसमें श्रम की प्रधानता होती है। अब श्रम की प्रधानता है तो भारत में जनसंख्या की कमी नहीं है, भारत की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। चौथा प्रश्न, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो हमने देखा अभी कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, आर्थिक लाभ कमाना होता है। ठीक है, जैसे हम लगा रहे हैं नारियल का पेड़, तो वहाँ पे नारियल का पेड़ बहुत पैमाने पर लगाए जाते हैं। अब वह नारियल का पेड़ अपने परिवार के लिए तो नहीं उगाएगा उतना सारा नारियल वह बेचेगा और उससे आर्थिक लाभ कमाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, अंतर बतलाना है हमें रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में, और दूसरा विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। तो सबसे पहले रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में आपको पहले एक लाइन बना लेना है इसे, और इधर लिखना है रोपण कृषि और इधर लिखना है वाणिज्यिक कृषि। फिर इधर लिखोगे कि रोपण कृषि में यह वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि में लिखेंगे इस कृषि का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। रोपण कृषि में लिखेंगे रोपण कृषि में रबड़, कहवा, चाय, मसाले, नारियल इत्यादि उगाए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में लिखेंगे वाणिज्यिक कृषि यांत्रिकृत एवं विस्तृत होती है। रोपण कृषि में लिखेंगे रोपण कृषि मुख्यतः विकासशील देशों में की जाती है, और
वाणिज्यिक कृषि में लिखेंगे, वाणिज्यिक कृषि में उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा प्रश्न है बच्चा, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अंतर बतलाना है। तो विटीकल्चर बोलते हैं अंगूरों का उत्पादन, विटीकल्चर कहलाता है, ठीक है। इसमें अंगूर के उत्पादन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि अंगूरों का उत्पादन, सिंचाई, उसे किस प्रकार देखभाल कर रहे हैं, उसका पोषण किस प्रकार हो रहा है, ये सभी हम लोग विटीकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। विज्ञान की अलग अलग शाखाएँ हैं जिसमें आप लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। दूसरा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम लोग फसलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसमें फसलों में कोई भी फसल हो सकते हैं, आम, सेब, केला, संतरा, है ना। तो हॉर्टिकल्चर में फसलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, और विटीकल्चर में क्या किया जाता है, अंगूरों के उत्पादन का अध्ययन। आप लोग यहाँ से नोट कर लो, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि कार्य को, विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहा जाता है। इसके बाद है छठा प्रश्न कि रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, कारण बतलाना है, और पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, कारण बतलाना है। तो लिखेंगे, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है क्योंकि इस कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना होता है। इस प्रकार की कृषि वृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की सहायता से की जाती है। सभी फसल निर्यात आधारित होती है, यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है, इसलिए रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि ही है। दूसरा है कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो लिखेंगे बंगाल, पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रेशों से बोरे, तिम्बू, तिरपाल, दर्री इत्यादि बनती है। वर्तमान में भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा भी आप लोग देखो कि जो पटसन का रंग होता है वो सुनहरा रंग का होता है, इसीलिए उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका जो रंग है वो सोने के कलर का होता है, इसीलिए। इसके बाद सातवां प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे छूट गया है कि चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, तो इसमें लिखोगे चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। चावल उत्पादन के लिए निम्न आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। पहला लिखोगे चावल के उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दूसरा, वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तीसरा, चावल के उत्पादन के लिए चिकनी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, ठीक है, ये आप लोग को लिखना है। इसके बाद सातवां का ही दूसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की फसलों एवं उसके आवश्यक भौगोलिक दशाओं को दर्शाते हुए एक सारणी बनाइए। तो हम मैंने यहाँ पे सारणी बनाया है, आपको ये काम खुद से करना है बच्चा। देखो ये बहुत ही सरल है, आपको अपने बुक से लिखना है। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फसल, तो आप लोग को ऐसे चार लाइन खींच लेना है, एक दो तीन ऐसे करके खींच लेना है, और यहाँ पे लिखना है फसल, यहाँ लिखोगे तापमान, यहाँ वार्षिक वर्षा, यहाँ मिट्टी की गुणवत्ता। सबसे पहला नंबर में यहाँ लिखेंगे चावल, तो चावल में क्या लिखेंगे कि चावल के तापमान के लिए 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए, और मिट्टी कैसा होनी चाहिए, चिकनी जलोढ़ मिट्टी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ गेहूं की, संकेत नंबर पर गेहूं दे दोगे, तो गेहूं के लिए क्या चाहिए, बोने समय तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड और काटने समय 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा क्या चाहिए, वार्षिक वर्षा चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर, तो ये लिख देना है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये आपको बुक से लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक, देखते हैं आप सभी कितने जल्दी इस वीडियो को प्यार देते हो। और हाँ,
आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट में जरूर लिखना। कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे किसी भी ज्योग्राफी की किसी भी बुक से आपको डाउट हो तो आप लिख सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। आप सभी को अध्याय 5 एक बार खुद से पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अध्याय 5 का नाम है उद्योग, पढ़ के उसे आइएगा। थैंक यू।